लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है और इस मिशन को पूरा करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी एनडीए में शामिल करने की कोशिश कर रही है। खबर यह भी है कि चिराग पासवान को भी एनडीए में ज्यादा तवज्जो देने से नाराज पशुपति कुमार पारस को भी बीजेपी मनाने का प्रयास कर रही है। वहीं महागठबंधन भी मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल मुकेश सहनी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि उन्हें किसी भी गठबंधन में जाने से कोई परहेज नहीं है। जो निषादों को आरक्षण देगा वो उनके साथ चले जाएंगे। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने मुकेश सहनी दिल्ली गए थे, लेकिन उनकी गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। अब एक बार फिर चर्चा है कि मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल करने की कवायद तेज हो गई है। वहीं अगर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं तो सीट बंटवारे का पेच भी फंस सकता है। बिहार के सियासी गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव भी मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। इधर उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही अपने सीट शेयरिंग का मसला भी हल कर लेगा। वहीं नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें, बिहार में अभी तक ना तो महागठबंधन और ना ही एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है। अगर मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं तो वहां सीटों के बंटवारे पर पेच फंस सकता है, जहां बीजेपी पहले ही चिराग पासवान को 5 सीटें देने की पेशकश कर चुकी है। वहीं कुछ दिन पहले जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि जो जिस सीट पर जीत चुका है वो उसकी अमानत है। वहीं बिहार के सीटों को देखा जाए तो 2019 में बिहार में बीजेपी ने कुल 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 6 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वहीं अगर अभी से स्थिति को देखा जाए तो एलजेपी को 5 सीट देने पर 35 सीटें बचती हैं, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 17 और जेडीयू 16 पर ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में एनडीए के पास 2 सीटें बचती हैं, जहां पहले ही जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में हैं। जीतन राम मांझी ने पहले ही 2 लोकसभा सीट की मांग की है। ऐसे में मुकेश सहनी भी अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उनको कितनी सीटें मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।